सब लोग, आई रियली होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसूर की दाल, जो बहुत ही अच्छे स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में बनाती हूँ मैं, और बहुत ही मज़े की बनेगी। आइए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इनके इंग्रीडियंट्स, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने मसूर की दाल ले ली है एक कप, और उसे मैंने भिगो दिया है आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है, टमाटर लिया है जैसे मैंने काट लिया है पीसेस में, और उसके साथ मैंने लिया है लाल मिर्च ले लिया है 1 टेबल स्पून, और मैं एक पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे रिकमेंडेशन पर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा जब लाइट सा जब तड़का लगेगा, जब खुशबू आने लगेगी, अच्छी सी खुशबू ज़ीरे की, तो उसमें हम अब दाल ऐड कर देंगे। दाल का जो पानी जो मैंने भिगोया था वो भी ऐड किया है साथ ही, थोड़ा सा इसे हल्का सा भूनेंगे। मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूना था, तो कलर जो है वो दाल का थोड़ा सा चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, दोबारा से इसे थोड़ा सा भूनेंगे। मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। उसके बाद लाल मिर्च और नमक ऐड कर रही हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ज़्यादा मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे हैं इसमें, आप पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैं इसे भून रही हूँ अच्छी तरह से, भूनिएगा क्योंकि दाल को जितना अच्छा भूना जाए उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके बाद 1 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसे कवर कर दूंगी। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। थोड़ा सा इसे और भूनूंगी, उसके बाद मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने दोबारा से पानी शामिल कर दिया है। और सब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद आई है तड़के की बारी। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए तड़के के लिए मैंने लहसुन लिया है चॉप किया हुआ, जैसे जैसे थोड़ी सी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी खुशबू आ जाने लगे तो मैं इसमें दाल में ऐड कर दूंगी। इसमें साबित वो लाल मिर्च भी मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद हम दाल में लगा देंगे तड़का। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, कितना खूबसूरत कलर आया है। और उसके बाद मैंने हरे धनिए से इसे गार्निश कर लिया था। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।